सितारगंज क्षेत्र के नानकमत्ता में लॉकडाउन के दौरान नानकमत्ता पुलिस की आंखों में धूल झोंककर एक युवक अपनी पत्नी से दुखी होकर और शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई न होने पर थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। युवक के मोबाइल टॉवर पर चढ़ने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टॉवर से नीचे उतारा। पुलिस ने युवक को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार आज देर शाम मंडी नानकमत्ता निवासी राजेंद्र उर्फ रिंकू नानकमत्ता थाने से मात्र 200 मीटर दूर मुख्य मार्ग पर स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया था। युवक के मोबाइल टॉवर पर चढ़ने की खबर सुनकर हर कोई मौके पर दौड़कर पहुंच गया। इधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और टॉवर पर चढ़े युवक से बात करने का प्रयास किया। इसकी सुन के उल्टी सीधी ये लोग घटना करते हैं। ये लोगों ने इसको जेल भी भेजा, पिटवाया भी, बहुत उल्टे सीधे कर्म करे हैं उसके साथ। उसकी बीवी से दूर कर दिया, उसके बच्चों से दूर कर दिया। और सर जो धमकियां देते हैं फोन पे, कहते हैं कि अब की तो पिटवाया, बंद कराया, अब की तो हड्डी भी नहीं मिलेगी इसकी ढूंढने से, और उसको मार देंगे बोली। ये तीनों लोग प्रेरणा ब्यूटी पार्लर का आदमी और वो अवतार सिंह नामधारी का फुल नाम सर, कि उसका जैसे घर उजड़ गया वैसे उसका उजड़ा हुआ घर बना दें। बस उसका घर वो सड़कों पे आ गया, उसके पास कुछ नहीं है, नौकरी भी नहीं है, बेरोजगार है, कुछ नहीं है उसके पास। एक ही लड़का है, दूसरा है नहीं, और कोई सहारा भी नहीं। हमारे पास जगह जमीन कुछ नहीं है, खाली मजूर है, पूरा आदमी बस दिहाड़ी मजूरी करते हैं। इसी कारण जो इसका घर उजड़ गया परेशान की वजह से, या इसने मौत के लिए ऊपर चढ़ गया कि मैं अपनी जान दे दूँ। मैं बूढ़ी माँ बाप हूँ और कोई सहारा नहीं, एक ही लड़का है। अच्छा, आज आपको प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? कोई अभी आश्वासन नहीं दिया। अब देखो ऐसे साहब कह रहे हैं कि सब फैसला करेंगे, हम देखो क्या फैसला होता है। मेरी घरवाली से को सर इन लोग तीन लोगों ने फंसा रखा है। ये तीन लोग हैं, रामविलास है, एक अवतार है और ये क्या नाम नामधारी। ये तीन लोग हैं गलत आदमी है। इन लोगों ने मेरे पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया, मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, समझे, मेरा घर बेच दिया और किसी लायक मुझे नहीं। आज मैं रोड पे बैठा पड़ा हूँ, रोड पे किसी लायक नहीं हूँ सर मैं, समझे। मेरे साथ न्याय नहीं होता, मैं किसके आगे भीख मांगूं। आज मजबूर मुझे टावर चढ़ना पड़ा न्याय के लिए। साहब सारी एप्लीकेशन लगे हैं मेरे पास, मैं मुख्यमंत्री को मैंने भेजी है और डीएम के लिए भेजी है, एसएसपी के लिए मैंने भेजी है, सीओ के लिए भेजी है, मैंने शासन को मैं सबको भेज रखी है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए मैंने रिपोर्ट भेज रखी है। सारी रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन साहब न्याय नहीं होता, क्योंकि ये बड़े लोग हैं ना सर, मुझ जैसे गरीब इंसान को मारने के चक्कर में रहते हैं और हम जैसे गरीब इंसान कोई सुनवाई नहीं कर। एक नामधारी है, एक अवतार प्रेरणा ब्यूटी पार्लर वाले का, प्रेरणा ब्यूटी पार्लर, और उसका हस्बैंड क्या नाम उसका अवतार है, अवतार बलदेव मेडिकल वाले का भाई अवतार, और नामधारी कलेक्शन है, और ये रामविलास चक्की वाले। ये तीन आदमी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, उजाड़ दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, सत्यानाश कर दिया। इन तीन लोगों ने मेरा घर, मुझे मजबूरन आज में टावर चढ़ना पड़ा। अच्छा, और तो होती नहीं सर। नहीं तो आप नीचे आए, आपको क्या आश्वासन दिया गया? मुझे आश्वासन दिया कि मेरे साथ न्याय होगा, न्याय होगा, और वैसे उसके जी और वैसे फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस